एक हदीस है कि चार कामों में इंसान को जल्दी करनी चाहिए, जो आज बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में भी हर इंसान को इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के पास इल्म होने के बावजूद वो इस पर पाबंदी करते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों पर अमल किया जाए। बताओ वो हदीस ये है कि सबसे पहले जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो मुर्दे को दफनाने में जल्दी करनी चाहिए। उस वक्त वो मुर्दा और मैयत वो सब चीज़ें देख रही होती है जो उसे इस दुनिया में देखी होती है। उसने सारे सबके फरिश्ते नहीं देखे, लेकिन अब वो फरिश्ते देख रहा। अगर तो वो नेक है तो वो खुश है, और अगर तो वो नेक नहीं है तो फिर उसके लिए बहुत परेशानी होगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मरने वाले के करीब हम तुमसे ज़्यादा होते हैं। मतलब जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके घर वाले तो बिल्कुल उसके पास ही होते हैं, उस पर उससे भी ज़्यादा करीब कोई होता है। तो जब ये कुरान पाक में ये चीज़ अल्लाह ताला ने फरमा दी है हम तुमसे भी ज़्यादा करीब होते हैं मरने वाले के, तो इसका मतलब यह है कि हम वो चीज़ें नहीं देख सकते, ये ना ही वो चीज़ें वो देख रहे होते हैं जो वो मरने वाला देख रहा होता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र से ज़्यादा घबराहट वाली जगह इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अब वो जो मैयत है उसको पता उसने कब्र में ही जाना है, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा होता है, उसको गुस्ल दिया जा रहा होता है, वो सब चीज़ें हैं तो हम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन वो जो देख रहा होता है वो कुछ और दुनिया देख रहा होता है, और वो उसके लिए आसान नहीं होता, वो मुश्किल है। और वो आपने भी और मैंने भी वो सब चीज़ें देख ली। नेकमाल होंगे तो उस चीज़ की बड़ी शादी नहीं होगी, क्योंकि रमक से समझ फरमाया कि जब कोई नेक इंसान फौत होता है तो उसके जिस्म में से रूह इस तरह निकाली जाती है जैसे एक जग में से पानी निकाला जाता है, लेकिन जब कोई गुनाहगार इंसान फौत होता है तो उसके जिस्म में से रूह ऐसे निकाली जाती है कि कांटेदार झाड़ी के ऊपर या नेज़ों के ऊपर कोई रेशमी कपड़ा फेंक के उसको ज़ोर से खींच लिया जाए, तो जिस तरह वो लीड़ हो जाएगा उस तरह से वो एक तकलीफ़ को बयान किया गया। पेन एक ऐसी चीज़ है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसके लेवल्स नहीं है कि इसको इस लेवल की पेन है। इसलिए इंसान को ज़िंदगी में जितनी भी पेन्स होती हैं वो भूल जाता है एक टाइम पर आके। तो पहली चीज़ तो ये है कि इंसान जब कोई फौत होता है तो उसको चाहिए कि वो उसको एज सून एज पॉसिबल उसको दफना दें, ना कि उसको बर्फ़ में और ये वो कह रहे हैं इस तरह से कि जी फलानी ने भी आना है या उन्होंने आना है उन्होंने आना है। इंसान को दफना देना चाहिए, ये जिस्म और ये ज़िंदगी और इंसान खुद इट्सेल्फ ये सब अल्लाह ताला की अमानतें हैं जो वापस जानी हैं। तो कोशिश किया करें कि जब कोई इंसान फौत हो तो उसको जल्द से जल्द दफना देना चाहिए, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये उनका फरमान है, इस पर अमल करना चाहिए। दूसरी चीज़, इंसान जो कर्ज लेता है किसी से वो उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतार देना चाहिए, क्योंकि आखिरत में अगर उसने किसी का कर्ज उतारना है अब तो वो दुनिया से चला गया, उसने पता नहीं कितनों की ज़मीनें खाई या कितनों का पैसा खाया कितनों का हक पाना, अब क़यामत वाले दिन तो उसको हिसाब देना है। तो क़यामत वाले दिन तो उसके पास पैसा तो नहीं होगा देने के लिए, तो क्या होगा, नेकियाँ होगी, वो अपनी नेकियाँ देगा। जब उसकी नेकियाँ ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा, जिन जिन लोगों के उसने पैसे दे दें दुनिया में जितने जितने पैसे दे रहे हैं उतने उतने गुनाह उन लोगों से निकाल के उस बंदे के सर पर डाल दिए जाएंगे। मतलब आखिरत में उस बंदे के लिए वो बेशक बहुत नेकोकार था, ये था वो था दुनिया में, लेकिन फंसा किस वजह से, वो बेचारा सिर्फ अपने कर्ज की वजह से फंसा, या ना हक किसी का माल खाया या उसने किसी के साथ ज्यादती की है फाइनेंशियली, जो माल या जो ज़मीन जो उसने किसी को देनी है। तो ये भी रिवाज से उनका हुक्म है, ये उनका फरमान है कि अगर आपने किसी से कोई कर्ज लिया है कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कर्ज ना लें किसी से, रूखी सूखी करके गुजार लें लेकिन गुजार लें, कर्ज ना लें किसी से। जो कर्ज लिया है वो अपनी ज़िंदगी में उतारें उसको, एज सून एज पॉसिबल उसको जल्द से जल्द उसको ख़त्म करें, उसको दे दें, ताकि आपके सर के ऊपर से ये
परेशानी या टेंशन उतर जाए। बढ़ने के बाद कम से कम ये टेंशन तो ना हो कि फलाने के मैंने इतने पैसे देंगे, अब मैं क्या करूँगा, अब तो ज़िंदगी का टाइम खत्म हो गया। और ज़िंदगी का टाइम इस तरह तो नहीं ख़त्म हो रहा है कि आपको कोई नोटिफिकेशन आ रही है कि जी इतना टाइम रह गया आपके पास। तो इसलिए इस काम में भी जल्दी करनी चाहिए। तीसरी चीज़, निकाह में जब बेटियाँ जवान हो जाए तो निकाह में जल्दी करनी चाहिए, वरना औलाद क्या करती है, वो फहाशी की तरफ चली जाती है। और जो वो काम करती है औलाद, वो तो जवान है तो उनके माँ बाप पर भी बुरा जाता है और उस औलाद पर भी बुरा जा रहा होता है। तो माँ बाप को चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल जो ही बच्चा बालिग हो गया, बेटी बालिग हो गया, उसका निकाह करवा देना चाहिए, ताकि अब खुद भी गुनाह से बचे और उनको भी गुनाह से बचाए। अदरवाइज़ उनके लिए भी वो खसारे में, नुकसान में है और आप लोगों के लिए भी। लेकिन हम लोगों की मेंटालिटी ये है कि पहले बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर उसकी शादी को कुछ सोचेंगे। ये जो वर्ड्स है ना, जो लफ्ज़ बोलते हैं, दीज आर स्पेल्स, अगर आपको समझ आए तो, इसलिए उनको स्पेलिंग्स कहते हैं। अपने बारे में भी कभी बुरा मत बोले, आप तो अपनी औलाद के सामने बैठ के उनके बारे में कह रहे हैं कि तब सोचेंगे, तब देखेंगे। तो आप खुद एक दफ़ा ये सोचें सब पेरेंट्स, कि जब आप जवान थे, जब आपकी शादी की हुई थी, तो शादी आपके लिए कितनी ज़रूरी थी। कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन 80% लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी, लड़का हो या लड़की हो। तो आज जब वही 80% 90% आपकी औलाद को चाहिए, तो आज आपको ये हो रहा है कि पहले औलाद पैरों पर खड़ा हो जाए, बच्चा पैरों पर खड़ा हो जाए, कुछ बना लें, कुछ कमा लें। घर में एक फर्द आने से वो कितनी रोटियां खा लेगी बेचारी। और वैसे भी इंसान का रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िम्मेदारी ली है। आपका बेटा लाखों कमाए, आपका बेटा कुछ ना भी कमाए, खाना उसने वही है, उसकी बेटी ने, उसके बच्चे ने और आपके बच्चे ने, जो अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिख दिया। आप करोड़पति भी हो जाएंगे ना, जाए जाके देखिए अच्छे हॉस्पिटलों में क्या बच्चे नहीं हैं, करोड़पति हैं लोग, लेकिन क्या है, उनकी औलाद को वो नसीब नहीं है वो चीज़। और ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी होती है। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक में ये चीज़ लिखी हुई है कि इंसान को उसके माल से और उसकी औलाद से आजमाया जाएगा। तो कुछ आजमाइशें भी होती हैं इंसान में, और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है कि जब अल्लाह ताला ने रिज़्क़ किसी का बंद कर दिया है तो वो ख़त्म हो गया बहुत। तो लिहाजा कोशिश करें कि बच्चों की शादियां जो ही वो बालिग होते हैं उस तरफ सोचना शुरू करें। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात कि वो लोग फहाशियों से बचें। अदरवाइज़ एक वक्त आता है कि वो बच्चा फिर शादी करना ही नहीं चाहता। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, वो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर देखिएगा। चौथा काम ये है जिसको जल्दी करनी चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज में जल्दी करनी चाहिए। अगर इंसान दुनियावी कामों में लगा रहे और उसी दौरान उसकी मौत आ जाए तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि अल्लाह पाक ये दुनिया के फजूल कामों में लगा हुआ था जबकि इसकी नमाज जा रही थी। आज तो नमाज का फिक्र ही नहीं है किसी को कि नमाज पढ़नी भी है कि नहीं पढ़नी, उस तरफ टेंशन ही नहीं है। ना माँ बाप पूछते कि बेटा आज तुमने कितनी नमाजें पढ़ी, ना माँ बाप बचपन से इस तरह की तरबियत कर रहे बच्चों की कि बेटा नमाज भी तुमने पढ़नी है। फ़र्ज़ है, दुनिया में कितने फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने आपको दिए कि ये तुमने करना ही करना है। कोशिश करें कि फ़र्ज़ नमाज में जल्दी करें। और जो चार काम लगभग सिस्टम में फरमाए हैं, इन कामों में जल्दी करें। ये उनका, ये सिर्फ हदीस नहीं है, ये उनका हुक्म है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। आपको भी चाहिए कि इस बात पर अमल की जाए, हम सबको चाहिए कि इस बात पे अमल करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों पर अमल करें और कोशिश करें कि ये अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, जिनको इल्म होने के बावजूद वो लोग इतना ईजी लेते हैं चीज़ों को, उन तक भी ये बातें पहुँच सकें और वो
थोड़ा सा सोच सके, क्या पता आपकी एक शेयरिंग की वजह से किसी के दिल में ख्याल आ जाए कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।